मैं अब वापस लौट रहा हूँ। मेरे साथी सही सलामत तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अब कोई भी ताकत हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती, कोई शक नहीं रहना चाहिए। मेरी बेटी के लिए सब्र रखना, वो खुद ही राह पर आ जाएगी। मेरी हसीन चेहरे वाली मलिका, शुक्र है आपका दीदार हुआ। ज्यादा देर नहीं ठहर सकती यहाँ, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरस गई थी इसलिए मिलने आ गई तुमसे। इस तरह छुप छुप कर मिलने से उकता गया हूँ मैं। तो फिर बाबा से रिश्ता मांग लो मेरा। इस बारे में तुमने बात नहीं की ना? नहीं कर सका मैं, कर भी लूं तो क्या होगा? तुम्हारे बाबा वजीर आजम है, क्या शादी के लिए मान जाएंगे वो? मेरी वालदा भी गांव की आम लड़की ही थी, मेरे बाबा को उनसे मोहब्बत थी और दोनों ने शादी कर ली। तुम ज्यादा मत सोचो, बाबा थोड़े सख्त हैं लेकिन बात मान लेंगे हमारी। लेकिन जब तक तुम इनकिशारी रहोगे तब तक तो नामुमकिन है। असल में आज मश के बाद मैं उनसे बात करने वाला था। क्या डरते हो बात करने से? सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता मैं, मगर। मगर क्या बताओ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन कोई बादशाह तुम्हारे बाबा के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? कुर्जो दुआन के साथ बात करते सुना है। अगर उसका कहना दुरुस्त है तो सुल्तान मौसम रहलत फरमा चुके हैं, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। क्या वाकई? शहजादा औरहान को तख्तनशीन करवाने के लिए उन्होंने कुर्जो दुआन को रकम दी है। वो शहजादे महमद के लिए जाल बिछा रहे हैं और तुम्हारे बाबा को इसकी कोई खबर नहीं। क्या तुमने देखा नहीं कि वो कौन था? नहीं, मैं छुपा हुआ था। मुझे जल्द से जल्द बाबा को सारी बात बतानी होगी, लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना। ठीक है। हो सकता है इस तरह तुम्हारे बाबा की नजर का नूर बन जाऊं मैं। तुम तो मेरे बादशाह हो और बाबा की आंखों के नूर भी बनोगे। बाबा, बाबा, बाबा,
छोड़ो छोड़ो। यही सोचा है।